इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और उस पर अपनी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी दोस्तों शुरू में वीडियो बनाने के लिए फ़ोटो बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड वीडियो क्लिप के। तो दोस्तों आप कहीं से भी अगर इन तीन चीज़ों या जो भी चीज़ें आपको आपके वीडियो बनाने के लिए चाहिए अगर उनको डाउनलोड कि कहीं से भी डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आना अनिवार्य है, आ ही जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए उससे बचने के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि कॉपीराइट स्ट्राइक एक ऐसा चीज़ होता है कि हमारे जो चैनल होता है अगर उस पर तीन बार आ गया तो तीन बार तो हमारा जो चैनल है वो कॉपीराइट स्ट्राइक झेल लेगा लेकिन तीन से चौथी बार हमारा नहीं झेल पाएगा। उससे क्या होगा कि हमारे चैनल डिलीट हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लेकिन हमारा चैनल पे आप अपने वीडियो को हम नहीं अपलोड कर पाएंगे और मोनेटाइजेशन के समय हमारे वीडियो चैनल पे बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। तो आपसे मैं आज यही इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है कि आपके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरबी टेक नॉलेज पे। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, फ़ोटो के लिए आपको अपने ब्राउज़र गूगल ब्राउज़र पे चले जाना है, क्रोम ब्राउज़र पे आपको चले जाना है। और जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले आपको आप ध्यान रखिए कि यहाँ जो एरो का निशान है या फिर थ्री डॉट्स का निशान रहेगा उस पे आप क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि जो आपका साइट है वो डेस्कटॉप साइट पे है या नहीं, अगर नहीं है तो आप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है, आपको जो चीज़ की फ़ोटो चाहिए जैसे कि मुझे नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो चाहिए मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। याद रहे दोस्तों आपका जो डेस्कटॉप साइट होना चाहिए वो डेस्कटॉप साइट पे हो, जो इसे यहाँ क्लिक है। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आपको फ़ोटो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पास आप इमेज का ऑप्शन देखेंगे, इमेज का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इमेज का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे जो फ़ोटो होंगे जिस चीज़ की फ़ोटो आपने सर्च की होगी वो आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको इस अभी भी यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ यहीं पास एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको नीचे चार पाँच और ऑप्शन मिल जाएंगे, उस पर आपको एक देखेंगे पाँचवा जो ऑप्शन है यूजर्स राइट का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्रिएटिव कॉमन्स का एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का, उस पर आपको क्लिक कर देना है सेकंड वाले पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे फ़ोटो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपको यहीं से जो भी फ़ोटो हैं यहीं से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से आप अगर डाउनलोड करते हैं तो 100% श्योर है कि आपके जो वीडियो है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ से जितनी भी फ़ोटो डाउनलोड करेंगे आपके वीडियो पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों अब बात आती है वीडियो क्लिप की और बैकग्राउंड म्यूज़िक की। तो उसके लिए आपको दोस्तों करना क्या है, आपको चले जाना है अपने, यहाँ से मैं कट करता हूँ, चले जाना है YouTube पर। जैसे ही आप YouTube पर चले जाएंगे दोस्तों तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ से अपनी बैकग्राउंड म्यूज़िक और वो सारा लेना है। अब आपको बात करता हूँ दोस्तों, आपको जैसे ही बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए नॉन कॉपीराइट का तो आप डाउनलोड बैकग्राउंड म्यूज़िक नॉन कॉपीराइट लिख सकते हैं या फिर मैं बताता हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक लिखिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक। जैसे ही आप म्यूज़िक लिखते हैं उसके बाद सर्च मारते हैं तो यहाँ आपको ढेर सारी जो है ना वो बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन कॉपीराइट स्ट्राइक वाला है, कौन कॉपीराइट क्लेम वाला है, कौन कॉपीराइट का है या फिर कौन नहीं है। तो इसके लिए बताना चाहूँगा दोस्तों आपको ऊपर यहाँ कोने पे ऊपर तीन एरोस की टाइप की जो दिख रही हैं उन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ ब्लू वाले में आपको एक क्रिएटिव कॉमन्स का ऑप्शन यहाँ भी मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों क्रिएटिव कॉमन्स पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जितनी भी म्यूज़िक आएंगे बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर कोई भी वीडियो कोई भी चीज़ आप यहाँ से ये कॉमन क्रिएटिव पर से करके आप करते हैं तो ये सब की सब आप देख सकते हैं, इसमें नो कॉपीराइट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो नो कॉपीराइट म्यूज़िक, नो कॉपीराइट आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो वीडियो है आप इसको अपने
वीडियो में लगा करके अपना वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अब मैं आपके अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि इन सारी वीडियो को आप अपने डायरेक्टली अपने जो फ़ोन की गैलरी है उसमें कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। मैं अगले वीडियो में यही बता दूंगा कि आपको किस तरीके से अपने जो कि यूट्यूब की चैनल के जो यूट्यूब के वीडियो होते हैं उसको गैलरी में कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। दूसरा नंबर दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि आपको जो भी क्वेरी हो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल अरबी टेक नॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।